महाराणा प्रताप की रणभूमि हल्दीघाटी में नीचे पड़ा है माइक। माननीय प्रधान भेरूलाल जी विरवाल साहब के लिए बोलो। साहित्यकार बंसीवाल जी विरवाल साहब, खमनौर थाना अधिकारी नवल किशोर जी और वीडियो मैडम भांगीलाल जी भाई साहब, डॉक्टर कौशिक साहब, रामचंद्र जी, चेतन जी और मेरे वार्ड पंच और मेरे युवा साथियों और उपस्थित जन समुदाय, आप सबका हार्दिक स्वागत। यहाँ मंच पे आने के बाद में क्या सबको जोश आता है, सब जने बोलना चाहते हैं, कुछ पक्ष में बोलते हैं कुछ विपक्ष में बोलते हैं, पर अमूमन क्या मैंने यहाँ पे निष्पक्ष बहुत कम सुना है साहब, तो आज मैं वो चीज निष्पक्षता से कुछ बातें कहना चाहता हूँ। अगर उसको समझ लेंगे ना तो हमारी प्रताप भक्ति जायज है, अन्यथा ये सारा दिखा हुआ है। बड़े कड़वे शब्दों में एक बात कहूंगा साहब कि पहले ये मेला 7 दिन का होता था, बाद में धीरे धीरे इसमें जुड़ाव खत्म होता गया तो ये मेला 2 दिन का रह गया। मैं विगत 16 सालों से इस मेले में भागीदारी निभाता हूं, तो जय हल्दीघाट नवयुवक मंडल का जब मैं सदस्य बना था साहब तब उस समय 2 दिन का मेला होता था। सर माइक हाथ में पकड़ लो, नीचे पड़ा जाओ। 2 दिन के मेले को युवाओं की मांग पे हमने पंचायत समिति के सदन में जब मीटिंग होती है तो बड़े लड़ झगड़ के साहब ऐसा होता है 3 दिन का करना चाहिए, अब 3 दिन का किया है, हालात आपके सामने हैं, आप देख रहे होंगे भागीदारी उद्घाटन में वीवीआईपी और जो लोग होते हैं उनके साथ में हम सब उपस्थिति होती है हमारी। आज समापन पे आप देखिए साहब ये हालात। एक दूसरी बात, मेले के दिन बढ़ाने के प्रस्ताव को एक बात कहूंगा, हमने जो भी मांग रखी पंचायत समिति से हमें समर्थन मिला, हमेशा मिलता रहा और आगे भी मिलेगा ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। हमने उसी माहौल में उस समय मेला होता था सब 5,000 रूपये ग्राम पंचायतों से इकट्ठा करके 41 ग्राम पंचायतों से और 2 लाख रूपये 2,05,000 होता था, कोई अलग से बजट नहीं होता था, पंचायत समिति अपने दम पे ये मेला करती थी और जब 7 दिन का होता था तब बहुत भीड़ होती थी। मेला मचिन का 1 दिन का होता था तो वही वाली बात, युवाओं की मांग पे 2 दिन का किया जाए तो मांग रखने के लिए हमें आगे कर दिया जाता था हर जगह, 2 दिन का किया तो अब उससे एक थोड़ा सा नुकसान यहाँ हुआ। वो मेला 1 दिन का होता था तो वो गैदरिंग सारी नेक्स्ट डे जो कलश लेके आते थे यहाँ पे तो वो सारे लोग आते थे, पार्टिसिपेशन बड़ा रहता था उसमें, अब वो वहां 2 दिन का मेला हो गया तो मचीन का जो आदिवासी समुदाय है इसमें से सिर्फ यहाँ खिलाड़ी आए हैं, खरीदारी करने और सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाले आए हैं, पर यहाँ पे बौद्धिक चिंतन की बातें नहीं हुई। फिर मांग हुई है साहब राज्य स्तरीय किया जाए, मैं तो कहता हूं राष्ट्र स्तरीय किया जाए, 1 दिवसीय होना चाहिए, उसके लिए कोई 3 दिन का, और या तो आप इसको पूरा पखवाड़ा मनाइए। एक बार मनाया गया था उसमें कुंभलगढ़ से एक मशाल ज्योति चली थी, प्रताप के जुड़े स्थलों तक वो मशाल गई थी और उसको नेहरू युवा केंद्र से संचालित किया गया था, वाईसी उस समय थे हमारे श्याम सुंदर जी। अब पुनः जनता की मांग पे सरकार ने एक बार राज्य स्तरीय भी इसका मेला किया मलिदा जो महाराणा प्रताप स्टेडियम में, राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री आए थे उस मेले में, 1,20,00,000 रूपया खर्च हुआ सर, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं और ऑथेंटिक जानकारी दूंगा, 1,20,00,000 का खर्चा हुआ पर जनता उसका लुत्फ नहीं उठा पाई क्योंकि सिक्योरिटीज अरेंजमेंट इतने थे कि हेलीपैड से लेके मेला ग्राउंड तक आम आदमी अगर मान लो राजनाथ सिंह जी को नमस्कार भी करना चाहेगा ना तो 30 फीट दूर रख दिया जाएगा उसको। उस मेले के अंदर पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज जयपुर से हुआ, लोकल भागीदारी कुछ नहीं हुई, तब जो पूर्व कलेक्टर थे हमारे कैलाश जी वर्मा साहब उन्होंने ये कहा कि आपकी मांग पे हमने ये करके देख लिया, स्थानीय जनता को काफी असुविधा हुई और स्थानीय जनता की भागीदारी नहीं हो पाई इसलिए ये नेक्स्ट ईयर नहीं हो पाएगा, उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा। अब सर मुद्दे पे आते हैं, हम जिस जगह बैठे हैं यहाँ इंदिरा गांधी ने भी भाषण दिया उस समय करीब 1,00,000 पब्लिक हुई थी, पुराने फोटोग्राफ्स अगर आप देखेंगे अभी वास्तव में देखा जाए तो हल्दीघाटी की बातें हो रही है, हल्दीघाटी का भूगोल पूरा बिगड़ा हुआ, हल्दीघाटी यहां से एक घाटी का नाम है, सिर्फ एक घाटी का नाम है हल्दीघाटी। युद्ध आरंभ हुआ था दर्रे से जहां पूरी मुगल आर्मी जब मूवमेंट सिंगल लाइन फॉर्मेशन में कर रही थी तो आदिवासी और जो साथी रहे प्रताप के उन्होंने यहां से अटैक किया और रक्त तलाई नहीं मोलेला के आगे जो छापर बने हुए वहां तक उनको खदेड़ दिया था पूरा,
फिर आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि शाही सेना आ रही है, उसमें जोश भरा और रक्तलाई में मारकाट मची। तो मैं ये कहता हूं कि हल्दीघाटी को अगर जाना जाएगा तो मूल बैटल ग्राउंड रक्तलाई से जाना जाएगा, क्योंकि अगर पुरातत्व की बात करो, पर्यटन की बात करो, मूल धरती की अगर बात करो तो वो धरती है रक्तलाई, जहां ग्वालियर नरेश रामशाह और उसके दो पुत्रों की छत्रियां हैं, जहां हकीम खान की स्मृति में कुछ बना हुआ है, जाला मन्ना की स्मृति में बना हुआ है। पर बड़े दुख के साथ वापस एक बात आती है अंदर से, ये हुक निकल रही है अंदर से। हमने हल्दीघाटी पर्यटन समिति का गठन किया जिसमें जो हल्दीघाटी के पर्यटन की सोच रखता हो और हल्दीघाटी को वास्तव में दिल से चाहता हो वो आए और शहीदों के स्मृति में एक दिया लगाए प्रेम से। कोई जबरदस्ती नहीं है, सरकारी एक रुपए का बजट नहीं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस मंच से माननीय प्रधान साहब ने हमारे एक ज्ञापन को स्वीकारते हुए तुरंत ग्राम विकास अधिकारी बाल मुकुंद जी को कहा, जो मेरे एनसीसी में साथी रहे हैं, कि भैया अब ये पंचायत समिति की तो वो खाली कार्ड के अंदर छापने की कैपेसिटी है, मैं इसमें ग्राम पंचायत से आपको 11,000 रुपए का बजट दूंगा जिसमें आप जो लोग तेल आपस में इकट्ठा करके लाते हो ना, और इसमें भी हमने एक परंपरा बनाई, सब करने को तो अब एक तेल का पीपा और दिए ले जाके हम पर्यटन समिति वाले 11 जने मिलके भी कर सकते थे, पर जन भागीदारी बनाने के लिए हमने युवा मंडलों से आह्वान किया। अमराजी का गुड़ा, राजसमंद, NYK, दुनिया भर में जैसे हमारे घर में ब्याह हो रहा हो जैसे हम दौड़े, हमने भीड़ इकट्ठा करने की बात करने नहीं करी, हमने सिर्फ देशभक्तों का आह्वान किया। तो हमारे को कहते हुए थोड़ा सा ये अफसोस होता है साहब, 50 आदमी कभी आए, 100 आदमी कभी आए, और यहाँ इस मुगल पड़ाव में अगर देखे नुक्ती पूड़ी खाने के लिए हजारों की संख्या में। तो फिर मैं कहता हूं, मैं आपके अंदर प्रताप का एक सुन लीजिए, माननीय जितने भी यहां उपस्थित है तो कुछ ना कुछ उनके दिल में प्रताप के प्रति है इसलिए उपस्थित है। तो प्रताप का एक पर्याय है अभ्युदय। प्रताप आपका अपना प्रताप, आपके अंदर प्रताप, और प्रताप थे भगवान राम के वंश। इसको भी आपने राम मंदिर का ये जो मुद्दा चला था कोर्ट में और आपने सबने सुना होगा, तो दिया कुमारी जी ने दावा किया कुशवाहा फैमिली से हूं मैं, कुश की परिवार से हूं। लक्ष्मणराज सिंह जी ने मैं दावा किया था कि मैं लव की फैमिली से हूं। हम तो कहते हैं साहब हम तो खुद ही राम की फैमिली से हैं, आप इसको बाइफर्गेट मत करिए। बाइफर्गेशन में ये हो गया साहब कि जो मूल जो हल्दीघाटी है वो हमारी पिछड़ गई। अभी एक बता रहा हूं, ये मेले का समापन यहां हो गया, ये यहां मंच पे पुरस्कार मिल जाएंगे, सब जने अपने अपने घर चले जाएंगे, पर हम कहते हैं हमको 365 दिन नींद नहीं आती। सिर्फ इस वजह से नहीं आती है कि दर्रे के हालात देख लो, राष्ट्रीय स्मारक के हालात देख लो, रक्तलाई के हालात देख लो, और इस शाहीबाग के हालात देख लो। अब बात आती है कि अगर हम वास्तव में अगर प्रताप के अनुयायी हैं तो एक अकेला 1,000 के बराबर है। मूल स्थल पे आकर अगर आप अपने पुरखों को अगर नमन नहीं कर सकते तो प्रताप जयंती यहां पर मनाना कोई औचित्य नहीं। मूल जन्म स्थल कुंभलगढ़ का ये पहला आयोजन है जब जो हमारी एक वर्षों से मांग रही कि जन्म स्थल पे जयंती का आयोजन हो, युद्ध स्थल पर युद्ध तिथि का आयोजन हो, और निर्वाण स्थल पे उनकी पुण्यतिथि का आयोजन हो, तो हमें लगे और वो राष्ट्रीय स्तर पे होना चाहिए साहब। उसमें था कि दिल्ली बंबई और जयपुर के लोग भी आवे और देखे क्या हो क्या रहा वास्तव में वहां। अब यहां हम मना रहे थे, हमने देखा कुंभलगढ़ में सेम टाइम में वहां कार्यक्रम हो रहा था और अलग अलग होने लग गया। बाकी जब सर आप ये बुजुर्ग लोग बैठे हैं इनसे पूछेगा, 7 दिवसीय मेला होता तो उसका आयोजन करने का एक मुगल मकसद था आजादी के टाइम में, जब क्रांतिकारी सारे इकट्ठे होते थे तो यहाँ मंत्रणाएं चिंतन होता था और पंच सरपंच सम्मेलन भी होता था और पूरे क्षेत्र के हालात जांचे जाते थे। गवाह हैं आप सब। तो मेरा यहां से इस मंच से यह निवेदन है कि चेतन ने मेरा मैसेज आपको पास किया है तो उसको अंदर से समझे। हल्दीघाटी मूल रण क्षेत्र रक्त तलाई है और वहां पर कोई जातिवाद नहीं, 36 जात ने साथ दिया, वहां कोई राजनीति नहीं है, कोई कांग्रेस नहीं, कोई बीजेपी नहीं है, जो सच्चा देशभक्त है वो वहां आता है और आता रहेगा चाहे हम रहे ना रहे। ग्राम पंचायत को भी धन्यवाद दूंगा कि अब मुझे थोड़ा तो और सुकून मिला है कि कल को हम मर भी जाएंगे ना तो एक परंपरा डल गई है यहाँ पे कि 18 जून युद्ध तिथि युद्ध स्थल का महत्व बन गया, और जब से युद्ध तिथि पे ये युद्ध स्थल पे दिए लगने चालू हुए हैं तो इस खमनौर गांव के सारे मंदिर मस्जिद और आपके जैन मंदिर सब कंप्लीट हो गए हैं। उसके पहले के हालात भी मैं आपसे छुपे हुए नहीं है। तो बात यह है कि अगर प्रताप भक्ति दिखानी है तो अपने अंदर को प्रताप जगाओ, बाकी खाली यहां आकर हम भी उपड़ना ओढ़ के चले जाएं और फोटो फेसबुक पे डाल दें वो कुछ नहीं है। धन्यवाद। जय भारत।